हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रणवीर सूद। 2018 में हैशटैग मीटू मूवमेंट के चलते कई चेहरे नाकाब हुए। डायरेक्टर्स एक्टर्स पर महिलाओं ने गंदे आरोप लगाए। विकास बहल, कैलाश खेर, साजिद खान, संस्कारी बापू आलोकनाथ जैसे स्टार्स के नाम सामने आए थे। जहां एक तरफ अक्षय कुमार ने साजिद के साथ काम करने से मना कर दिया था, वहीं ऋतिक रोशन ने भी उनकी अपकमिंग फिल्म सुपर 30 के डायरेक्टर विकास बहल के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो खबर हमारे हाथ लगी है वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन ने आलोकनाथ का सपोर्ट किया है। ये तो आप जानती हैं कि आलोकनाथ अजय की फिल्म दे दे प्यार दे में नजर आने वाले हैं। लेकिन उन पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप के बाद खबरें आई थी कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो अजय ने उन्हें रिप्लेस ना करने का मन बना लिया है। वो चाहते हैं कि आलोकनाथ इस फिल्म का हिस्सा बने। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म के डायरेक्टर लव रंजन पर भी यौन शोषण के आरोप लगे थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म पर काम जारी है। पहले फिल्म 15 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 17 मई को रिलीज की जाएगी। आपको बता दें, इस फिल्म में अजय के अलावा तब्बू और रकुल प्रीत नजर आएंगी। वहीं बात करें आलोकनाथ पर लगे इल्जाम पर, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा अब तक आलोकनाथ का रहा है। संस्कारी बाबूजी आलोकनाथ पर प्रोड्यूसर राइटर विनीता नंदा, एक्ट्रेस नवनीत निशान ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे। आपको बता दें, अभी हाल ही में विनीता नंदा के आरोपों के बाद कोर्ट ने आलोकनाथ को जमानत दे दी है। वैसे अब इस फिल्म में आलोकनाथ को रखना अजय का सही डिसीजन है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा।